सबसे पहले आवाज़ बनी, आवाज़ों के उतार चढ़ावों से बने सुर, सुरों को संजो कर बने बोल, और बोलों को जब राग की डोरी में पिरोया गया तो बने हमारे गीत। और गीत वो संगीत अपने आप में वो शक्ति रखते हैं कि हमारे मनोभावों को वो बदल देते हैं। अगर हम उदास बैठे हैं और अच्छा सा संगीत गीत हम सुन ले तो हम अच्छे मूड में आ जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में मैं स्वाति अग्निहोत्री आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते हिमाचल में हम आपको लोक कलाकारों से मिलवाते हैं जो कि अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को संजोए हुए हैं और उसे निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करते जा रहे हैं। तो आज की इस कड़ी में जिन सिंगर से मैं आपको आज मिलवाऊंगी वो हैं आदित्य चौहान जी। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियोज़ में। सबसे पहले मेरा सभी को प्यारा भरा नमस्कार, और मैं दिल की गहराइयों से दूरदर्शन शिमला का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने का एक मौका दिया। जी, तो दर्शकों, ऐसा नहीं हो सकता है कि आदित्य जी के गीत आपने नहीं सुने हो, ज़रूर सुने होंगे। आइए बातचीत का क्रम हम शुरू करते हैं। आदित्य जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं और आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा जो है वो कहाँ हुई? स्वाति जी, मैं तारा देवी के मलोक गांव से बिलोंग करता हूँ, जी। और जो शिक्षा है मेरी वो HD सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंज बाजार शिमला से जो मेरी स्कूलिंग है वो कंप्लीट हुई है। जी, तो आप लोकलाइट आपको कह सकते हैं हम कि हाँ आप जी, लोकल ही हैं। लोकल। जी, बात करें आपकी बचपन की, है ना, तो किस तरह के बच्चे थे आप बताइए हमारे दर्शकों को। एक संजीदा बच्चे होते हैं ना, चुप बैठते हैं, एक थोड़े शरारती होते हैं, एक मिडल होते हैं कि ना ज़्यादा शरारत है ना ज़्यादा संजीदा है, तो आप हाँ, किस मतलब कैटेगरी में? ऐसा ही था। हम भी ज़्यादा शरारती नहीं होते थे, जी हल्की फल्की शरारत हम करते थे। जी जैसे कभी कोई घर में मेहमान आ गया तो कोई भी जब आते थे, जैसे नाना नानी मामू वगैरह कोई भी आ गए, तो उनके हम शूज़ छुपा देते थे ओ ताकि वो जाए ना और यहीं पे रहे, फिर हम उनके साथ गप्पे मारेंगे। और ऐसा बस तो इतनी सी आपकी हमारी शरारत होती थी। जी, तो दर्शकों, इनकी शरारत में भी एक अच्छा भाव था ताकि मेहमान ना जाएं। लोग सोचते मेहमान जल्दी जाए और आदित्य जी सोचते थे मेहमान ना जाएं। आदित्य जी, भोर का ये समय है और सभी अपने अपने कार्य शुरू कर चुके हैं, कुछ शुरू करने जा रहे हैं, तो दिन की शुरुआत क्यों ना एक मंगलमय भक्तिमय भजन से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति जी, जी तो एक पहाड़ी भजन मैं आपके बीच थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा। हो उच्ची धरो दी बसी जो माता, सोना तेरा दरे बारा। हो उच्ची धरो दी बसी जो माता, सोना तेरा दरे बारा। हो दूरा दूरा का जो दिश दा लगो, तेरा मंदिर पियारा। हो दूरा दूरा का जो दिश दा लगो, तेरा मंदिर पियारा। हाय शाली मातारा सोना नजारा, लागो जियो के प्यारा। हाय शाली मातारा, हो शाली मातारा सोना नजारा, लागो जियो के प्यारा। हाय शाली मातारा। जी, बहुत खूब। सुबह सुबह आपने सभी को शाली माता का ध्यान दिला दिया, आप सभी का दिन मंगलमय ज़रूर बनेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। बहुत बहुत आदित्य शुक्रिया जी, आपका। आदित्य जी, हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि कब से आपको लगा कि आप में संगीत है, आपको संगीत करना है आगे, और कौन आपके प्रेरणा के स्रोत रहे? देखो स्वाति जी, मेरे दादाजी पहले गाते थे फैमिली जी में, तो आज भी वो अभी है प्रेजेंट 90 ईयर्स के हो चुके हैं, जी 90 साल उनकी उम्र है और बिल्कुल फिट है अभी भी। क्या बात है। तो वो गाते थे, वो ट्रांसपोर्ट HRTC से रिटायर हैं। जी, उसके बाद ये चीज़ चाचू में आ गई। एक होता है ना कि ब्लड ब्लड में में। ये चीज़ जी चलती है, जी तो चाचू का ऐसा था, वो जागरण वगैरह करते थे, थोड़े अपने दायरे में जी जाते थे, एक टीम थी उनकी भी, तो वो जी करते थे। फिर उसके बाद जो जब मेरा जन्म हुआ, फिर मुझ में भी ये चीज़ बनी। जी मुझे पहले से बहुत ज़्यादा शौक था जी गाने का, जी लेकिन ऐसी कोई पता नहीं था, कुछ ABCD पता नहीं था कि कैसे ये शुरुआत होगी, क्या जी होगा क्या नहीं होगा। जी तो चाचू के साथ जब मैं बैठता था, तो अभी तक मुझे याद है, तो वो भजन गाते थे, तो मैं उस
फोकस करता था उनके ऊपर कि किस तरह से गाते हैं, क्या जी, है, जी तो ऐसा था। तो बच्चों को अक्सर ऐसा होता है ना, जो बहुत छोटे होते हैं गीत संगीत में रुचि आती है, नो हाँ डाउट, जी है ना, पर भक्ति के जब ये भजन है कुछ है तो छोटा बच्चा इतना भी नहीं समझ, म्यूजिक आ रहा है ठीक है, तो आपकी रुचि भजन में हुई ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आप उस टाइम पे आप में वो टिकाव था कि आप भजन सुन रहे थे बिल्कुल। जी, तो घर में आपको प्रोत्साहन भी मिलता था कि हाँ बेटा तुम भी गाओ। घर में ऐसा था, देखो अब मेरे टाइम में भी जो पहले ये रेडियो वगैरह चलते थे जी जिसे टेप रिकॉर्ड वगैरह, जो कैसेटों का एक ज़माना था, जी तो आज भी वो है जी हमारे पास, तो आज भी वो घर में रेडियो पड़े हुए हैं। तो हमें उस टाइम की अभी तक याद है कि जब जैसे मतलब घर में बैठते थे सारे, तो जी मम्मी वो कैसेट लगाते थे, तो उसमें जो हमारे कलाकार हैं हिमाचल प्रदेश के, विकी चौहान जी, कुलदीप शर्मा जी, जी उनके वो गाने होते थे जी जो हम सुनते थे। जी तो वो कुछ ऐसा था कि वो कुदरत एकदम से याद भी हो जाते थे, जी और बस वहाँ से वो रुचि बनती रही कि यार हमें भी ऐसा है जी 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 गाना है। जी और याद वो इसलिए हो जाते थे क्योंकि जिस चीज़ में रुचि आती है वो हाँ जी स्वतः ही हमें स्मरण हो जाती है ना। बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर करने बैठो 100 बार देखना पड़ता है क्या था क्या क्या था था ना, जी, संगीत बिल्कुल हमें गीत हमें रट जाते हैं जी। जी। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि सबसे पहले कौन सा सॉन्ग आपका आया था और किस तरह का आपको ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिला था। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा एक डेब्यू था इंडस्ट्री में वो 2021 में हुआ था। जी तो लॉकडाउन का टाइम था, जी देश उस टाइम महामारी में था, जी लेकिन हमने इसको किया। जी म्यूज़िक हंटर पे ये अपलोड हुआ था गाना, जी 22 मई 2021 को ये गाना डाला जी हमने। तो पहले मेरे माइंड में भी तरह तरह के क्वेश्चंस थे, मतलब एक खुद से भी एक इंसान कई बार बातें करता है बिल्कुल करता है कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, लोगों को कैसा लगेगा, लोग जी क्या बोलेंगे। जी लेकिन जब वो हमने शाम को रिलीज़ किया गाना, तो वो विदाउट वीडियो था, अच्छा वो ऑडियो सॉन्ग था, उसमें 4 गाने हमने किए थे। जी लेकिन पब्लिक का मतलब उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि वो 8 दिन में गाना मतलब 1 लाख के पार चला गया था। क्या बात है, पहला गाना और पहला विदाउट गाना वीडियो, मतलब एक अलग सा, मतलब मुझे लगता था कि मतलब एक अलग सी जिंदगी हो चुकी है मेरी। क्या बात है, वो हो चुकी थी हाँ जी, है ना। तो कौन सा गाना था वो। उसमें हमने एक गाना गाया था भाभी के ऊपर, हमने एक गाना गाया था जो जी बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना, जी और जो एक रिव्यू दिए, जी जो मैसेज लोगों के थे, फ़ोन आए, वो यही बोलते थे कि ये गाना सुपर है आपका। तो क्यों नहीं हमारे दर्शकों की नजर आप ये गाना करते। बिल्कुल। हो नच भाभी है, हो नच भाभी है, हो खूब लाए रौनक का तू आज शादी है। हो नच भाभी है, हो नच भाभी है, हो खूब लाए रौनक का तू आज शादी है। हो तेरे लुटे नाचने किया कमाल, दिल कोरे कितने रे तोए हलाल। हो बिन चाबी है, हो बिन चाबी है, हो दिलो रे तू ताले खोले बिन चाबी है। ठीक हो कोई बाजो सिटी यारो कोई ताड़ी, ओ भाभी संग नाची जो बे भाई री साड़ी। हो जच भाभी है, हो जच भाभी है, दिल को गई मेरे जच भाभी है। तो ये उसमें गाना था क्या जो बात है लोगों को काफी पसंद आया। जी। तो दर्शकों क्यों नहीं हम इस सॉन्ग को विजुअल को भी हम आपको दिखाएं, तो आइए देखते हैं ये सॉन्ग। So deep.
वो बीच कैंप सादी मुंडो टकराओ गोए वो बीच कैंप सादी मुंडो टकराओ गोए ओ मारे कोई जो भी चोरी ना है आओ गोए बीच कैंप सादी मुंडो टकराओ गोए मारे कोई जो भी चोरी ना है आओ गोए बीच कैंप सादी मुंडो टकराओ गोए ओ बीच कैंप सादी मुंडो टकराओ गोए ओ नच बाबी है खूब लाए रौनका तू आज शादी है ओ नच बाबी है ओ नच बाबी है खूब लाए रौनका तू आज शादी बात है, मज़ा आ गया और मैं तो खुद इतना झूम रही थी, हमारे दर्शक कितना झूम रहे होंगे। दर्शकों में मुझे पता है कि जितने लोग अभी सोए पड़े हैं, जिनकी नींद नहीं खुल रही थी और जिनको कहीं नहीं जाना है, वो भी ज़रूर उठ गए होंगे और कुछ तो नाचने भी लगे होंगे। भाई क्या बात है, रौनक लगा दी। तो भाभी ही क्यों, यहाँ तो सारे नाच गए हैं ना। इतना अच्छा वीडियो आपका बना है, इतना अच्छा आपने गाया है और आपने एक्ट कितना अच्छा किया है। तो बताइए आप हमारे दर्शकों को कि ये एक्टिंग जो आपने इसमें इतनी अच्छी की है, तो इसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखो, नाचने का और गाने का शौक तो पहले से ही था जी। तो पहले बचपन से लेकर था कि मतलब सोचते थे कि कभी हम भी जाएंगे, मौका मिलेगा तो अपना पूरा एक बेस्ट देंगे वहाँ पे, जितना हो पाएगा जी। तो जब कैमरा फेस किया तो मतलब एक कुदरती कहूँगा, एक माता का आशीर्वाद, जो मतलब सारा इतना बेस्ट हुआ कि लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया।
जी बहुत ज़्यादा अच्छे से एक दिल से आती है ना, जो चीज़ एक्शंस भी जो दिल से आते हैं, बिल्कुल मज़ा आ गया। तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता था इस गाने के बाद? देखो, सबसे पहले जब ये गाना आया तो एक जो आस पड़ोस के हमारे गांव थे जी, और एक मार्केट जो लोकल मार्केट होती है गांव पड़ोस में, क्योंकि कईयों को पता भी नहीं होता है। हाँ जी, क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया से नहीं भी जुड़े होते हैं, जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं जो भी है। तो जब पता लगा कि यार ऐसा ऐसा हो गया है, एल्बम आ चुकी है ऐसा वैसा, और उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला जी लोगों से, तो जब मैं मार्केट में आता था तो मतलब एक अलग ही स्टाइल से लोग बात करते थे जी, उनका रुख ही बदल गया। हाँ, कि वाओ मतलब यार आपने ऐसा किया है, बहुत अच्छी बात है, आप इसको कंटिन्यू करना, आप इसको ड्रॉप मत करना, ऐसा वैसा। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता था जब छोटे बच्चे जो स्कूल के थे जी, जब वो मिलते थे, स्कूल तो उस टाइम क्लोज ही थे, लेकिन जब वो ऐसे मिलते थे तो और वो पकड़ लेते थे कि भैया वो आप ही हो ना जिन्होंने वो वाला सॉन्ग गाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो वो गुनगुनाते थे वो गाना, तो मतलब एक मैं उनका उनके पेरेंट्स का धन्यवाद करूंगा जो मतलब उनको एक उनकी संस्कृति का ज्ञान दे रहे हैं। जी जी, और छोटे बच्चे क्योंकि बिल्कुल साफ मन के होते हैं, उन्हें ये नहीं है कि उन्हें कुछ दर्शाना है, वो जो मन में है साफ आके बोलते हैं ना, और उनकी अप्रिसिएशन बहुत मायने रखती है। अच्छा लगता था मुझे भी जी कि नहीं बच्चे प्यार दे रहे हैं जी, बड़े प्यार दे रहे हैं सब जी। तो फर्स्ट आपकी एल्बम थी और पहला ही गाना आपका हिट हो गया था, लॉकडाउन का दौर चल रहा था, तो किस तरह से आपने अपने आप को मतलब मेंटली इस तरह से किया कि आप संगीत गा सकें? क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा होता है ना, जो चल रहा था उससे हमारा दिमाग मनोमस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है, तो उस समय किस तरह से आपने संभाला अपने आप को? देखो, जब ये आया तो जब एक अच्छा रिस्पॉन्स आया, जब कोई भी हम चीज़ किसी कोई भी हम कुछ करते हैं अगर उसको अच्छा रिस्पांस आ जाए, तो एक खुद ही मतलब एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि अब जल्दी करना है और इससे भी ज़्यादा बेस्ट करना है जी। और लॉकडाउन की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो जैसे हमारे बहुत सारे लोग थे जिन्हें खाना बनाना नहीं आता था, हमारे कुछ दर्शक भी होंगे, तो बहुतों ने तो खाना बनाना सीखा है। हाँ ना, आपका टाइम ज़्यादा कहाँ गुजरता था? हमारा टाइम लॉकडाउन में, देखो हम तो लोकल है, गाँव में ज़मीन है, खेत है, तो हम तो काम करते थे खेतों में जी, सीजन लगाते थे, सब्जियां लगाई थी, तो दिन का तो पता ही नहीं चलता था। बाकी क्रिकेट भी खेलते थे थोड़ा बहुत जी, ऐसे, क्योंकि गांव में तो इतनी स्ट्रिक्टनेस थी नहीं उस टाइम, थी नहीं, और खुला होता है, तो खुला होता है, सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप मेंटेन होती है। बिल्कुल जी, पहला ही गाना था, 3 लाख से ऊपर आपके व्यूज चले गए थे, तो घर वालों को क्या पता था कि हाँ ऐसे व्यूज आते हैं? क्योंकि ये नॉलेज इतनी तब नहीं थी, अभी भी नहीं होती कई लोगों को। देखो, घर की तो जो बात है, घर में सच्ची पहले पता नहीं था, पहले जब मैं जाता था तो वो पहले यही सोचते थे कि पता नहीं कहाँ जाता है, मतलब पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे होती है, क्या है, तो पापा वगैरह ऐसे सोचते थे कि पता नहीं कहाँ जाता है। लेकिन जब आया तो फिर उनको लगा पता, तो पापा को काफ़ी फ़ोन आए जी, जो उनके फ्रेंड्स थे गाँव के थे, आस पड़ोस रिश्तेदारों के, कि आपको मुबारक, आपके बेटे ने ऐसा किया है, तो मतलब एक उनका ना एक विश्वास जो होता है ना वो बढ़ गया कि नहीं, एक मेरा नाम रोशन हुआ है जी, मुझे ऐसा ही बोलते कि वो आपका बेटा है जी, कि जिसने वो गाया है जी, तो बड़ी खुशी मिली उनको जी, मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा खुशी मिली, पूरे परिवार को, सभी को। और कितना अच्छा लगता है कि जब एक पिता को कोई फोन आता है कि आपका बेटा ये कर रहा है ना, बिल्कुल, एक उनको भी गर्व, और उनकी आंखों में जो चमक होती है ना, वो तो देखते ही बनती है। बिल्कुल। आपका अभी लेटेस्ट कौन सा सॉन्ग आ रहा है, आया है लेटेस्ट? अभी हमने 3-4 दिन पहले एक एल्बम रिलीज किया है जी, नाटी का दौर नॉनस्टॉप जी। हाँ जी, तो किस तरह के गाने इसमें रहेंगे, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। गाने इसमें ट्रेंडिंग है, कुछ एक बोलते हैं कि लव वाला सॉन्ग भी है जी, और मतलब ऐसे एक ट्रेडिशनल सॉन्ग भी इसमें है जी, मिक्स है इसमें जी, 4 गानों का ये ट्रैक है जी जी। तो मुझे पक्का यकीन है कि भरपूर इसको भी सफलता मिलेगी, तो कोई आप इसी तो आपका ये गाना क्यों नहीं सुन लेते हम? बिल्कुल, तो इसमें Yeah.
दर्शकों, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते हिमाचल, और आज है हमारे साथ सिंगर आदित्य चौहान जी। आदित्य जी, क्या रौनक लगाई है आपने, आपके गाने तो भाई वैसे प्रिडिक्शन क्या, ये तो पूरे हिट ही हिट हैं। और हर जैसे आप जो आपने आयु वर्ग टारगेट किया है 18 साल, और हमारे टीन एजर्स और उससे थोड़े बड़े, हाँ है ना, तो ये एक ऐसा वर्ग है जो सबसे पहले आकर्षित होता है। बिल्कुल। और आपके गाने ऐसे हैं कि हर माहौल में, हाँ जी, ये जुड़ते हैं और सब अपने को रिलेट करते हैं इन चीज़ों से, है ना। जो बड़े हो चुके हैं वो उस टाइम पर चले जाते हैं कि हम कैसे थे, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है जब आप ये आउटडोर शूट्स करते हैं? देखो मैम, एक्सपीरियंस कैसा है कि ये जो ये सॉन्ग थे, ये पहले से एक सिलेक्ट थे जी मेरे लिए जी, तो क्योंकि एक एज पे भी ये मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हर कोई भी ऐसे गाने नहीं गा सकता जी जी, और जचते हैं, जचते हैं, मतलब एक नए युवा कलाकार को एक ऐसे गाने जचते हैं जी, तो इसमें ये था हमारा जी। क्योंकि जिस तरह से इसमें देखो एक गाना है कि ये छोरी कौन 18 साल जी, की जी, नाचती है बड़े कमाल की। हाँ जी। तो मतलब ये एक शूट करता है जी। और जो फर्स्ट सॉन्ग है वो भी एक ऐसा है कि चल मेरी ये दिल प्यारी जी, साथी गुम दे जाना शिमले मालो दे वो नोए बे सालो दे, मतलब वो लड़का बोल रहा है कि चल मेरे साथ आज हमने घूमने जाना है शिमला माल पे नए साल पे। तो ये थे ये गाने, तो इतने प्यारे लिरिक्स हैं, इतने उम्दा लिरिक्स हैं और जीवंत से हैं, तो ये क्या आप खुद लिखते हैं या आपके लिए लिखे जाते हैं? नहीं, ये लिखे जाते हैं जी। हाँ जी जी। तो ये किन के लिरिक्स? ये जो मेरे आदर्श है, जो मेरे गुरु है जी, ये उनके लिरिक्स है, हरिकिशन वर्मा जी के जी जी, और खासतौर पर आपके लिए लिखे गए हैं। हाँ जी, जिनका मतलब एक मेरी जिंदगी में बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा जी, जिसे मैं कहूँगा मतलब एक उंगली पकड़ के, मतलब वो मुझे ले गए थे और यहाँ तक आपको, और यहाँ तक पहुँचाया, और आगे भी काम करेंगे बहुत अभी जी जी। तो जब आप ये आउटडोर शूट्स करते हैं, मैंने देखा कि बहुत मनोरम से दृश्य होते हैं शिमला शहर के, हाँ जी, है ना, तो ये कौन डिसाइड करता है कि कहाँ शूट करना है? ये मैडम ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपका कोई गाना है, किस वो स्टोरी पे है, जैसे ये गाना है कि शिमला वाला, जो फर्स्ट सॉन्ग इसमें दिया है कि घूमने जाना है, हाँ जी, तो इसमें फिर हम स्टोरी जैसे ले ली कि शिमला का है, शिमला के लिए सिंगर गा रहा है जी, तो उसमें शिमला का व्यू दिखाएंगे, मॉल रोड दिखाया है जी, और अपनी अनदर लोकेशन जो गांव की मेरी उस साइड की है जी, वो दिखाई है जी, तो मिक्सअप जैसा ऐसा रहता है जी। अब जैसे ये जो 18 साल वाला है, ये अलग एक प्लान तो हमारा इसको डिस्को में था, लेकिन किसी ने हमें मना किया कि नहीं आप इसको सिंपल करो जी, तो और ये अच्छा बना है बहुत जी वीडियो से। और जब आप बाहर जाते हैं तो जो ये एज ग्रुप है खासतौर पर टीन एजर्स का, है ना, जब ये आपको मिलते हैं तो कैसा लगता है और क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? देखो जब मैं शिमला में ही होता हूँ, शिमला से बाहर जाना तो मेरा बहुत कम है जी, तो मिलते हैं कॉलेज के बच्चे, मिलते हैं लड़कियाँ खासतर जी, मिलती है जी, तो वो पहचान लेती है क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, देखो हम इतने फ्रैंक नहीं थे, हाँ जी, जो हमारा एक टाइम था वो कुछ और था जी, हमें डर भी लगता था, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत फ्रैंक हैं जी, वो एकदम से डर तो वो जानते नहीं है कि क्या है जी, वो डायरेक्ट एकदम से बात कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं जी। अभी भी 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे ओल्ड बस स्टैंड में ही पकड़ा गया है जी, तो कॉलेज की लड़कियाँ थी जी, संजोली की, तो कि वो आप ही हो जिन्होंने अभी वो सॉन्ग गाया है कि छोरी कौन 18 साल की, बोलते हमें बहुत ही अच्छा लगा, तो हमने आपके सारे गाने सुने हैं, तो मतलब एक दिल खुश हो जाता है उस टाइम जी, पूरा खून का दौरा ऊपर से नीचे तक दौड़ जाता है। बिल्कुल जी। और खास तौर पे किशोरियां अगर बात करती हैं, लड़कियां बात करती हैं, तो देखो ना, लोग अगर समय निकाल के आपको सुन रहे हैं वो एक बड़ी बात है जी, और इस एज में आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, और कन्याएं खुद आके आपको बता रही हैं कि हम आपका सॉन्ग सुनते हैं ना, तो यार दोस्त भी छेड़ दूंगी, यार दोस्त भी है जो मेरा एक सर्कल है जी, जिनके साथ डेली बातचीत है दूर दूर से, ऐसा होता है ना कि देखो जो आपके चहेते होते हैं ना वो आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो जी, वो आपको ढूंढ लेते हैं, तो उनके साथ एक बातचीत होती है हर दूसरे दिन तीसरे दिन, वो अपडेट लेते रहते हैं कि क्या है, कब नया होगा, कैसा है, तो अभी तो जैसे ये हमने किया, अभी तो इसी का रुझाव चल रहा है जी, तो वो बहुत खुश है कि आपने एक अच्छा एल्बम मार्केट में दिया है अभी इसमें, क्योंकि हर फ्लेवर का इसमें, जैसे अभी आपने कहा, हर फ्लेवर का गाना है ठीक है, तो क्यों नहीं नाटी का दौर जो आपकी इतनी हिट एल्बम है उसके कुछ हम अंश अपने दर्शकों को दिखाते हैं।
नमस्ते हिमाचल देख रहे हैं हम और आप लोग, और हमारे साथ हैं आज सिंगर आदित्य चौहान जी। और आप देख ही रहे हैं इन्होंने क्या धमाल मचाया है भाई, मज़ा आ गया आदित्य। और मैं तो सभी की तरफ से भी आपको थैंक्स बोलती हूँ कि इतने अच्छे आपकी ड्रेसेस, इतना अच्छे स्टाइल, वो मफलर एंड ऑल दैट, और हेयर स्टाइल, दाढ़ी, ये इस पर कौन काम करता है? ये देखो, ये तो मेरा पहले से ही लुकअप है जी। बाल तो मेरे पहले से ही खड़े रहते हैं जी, स्कूल टाइम से ही खड़े रहते थे जी जी। और जो ये मफलर का स्टाइल इतना प्यारा सा, ये ट्रेडिशनल सॉन्ग था जी, तो ये मैंने कुछ ऐसे ही खुद से ही सोचा था। पहले मैं पहाड़ी टोपी की भी सोच रहा था, लेकिन बट वो ठीक नहीं मिला, हाँ, मिलाना है तो मना, इसमें मफलर का ठीक रहेगा जी। तो जो मैं इसमें कन्याएं देख रही थी, कुछ ने फेरन पहना है, हाँ, कुछ ने आपके जी, सूट्स पहने हैं, कुछ ने ट्रेडिशनल वास्केट भी पहनी है ना, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन आ जाता है, हमारे दर्शक भी खुश हो रहे होंगे, है ना। तो दर्शकों, नॉर्मल डेली वेयर में भी हम जैसे मॉल भी जाते तो हम अपनी ट्रेडिशनल चीजों को पहने तो कितनी खूबसूरती झलकती है इसमें, है ना। तो अब इस एल्बम को लेके क्या विचार मन में आते? गाने तो आपके एक से एक है। देखो अभी तो ये नया है क्योंकि 3-4 दिन अभी इसको हुए है जी, बट इसको जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। जो मतलब आजकल मेरे को प्रीव्यूज फोन मेरा आते हैं जी, तो वो बहुत ही अच्छा है जी, वो देख के ही समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें मैडम वही है ना, हर चीज है इसमें जी। जो एक गाने हैं 4 के 4, वो हर फ्लेवर का गाना है। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज के लिए चले वो, उसके लिए क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। अब आप इसमें चाहे डांसिंग की बात करो जी, चाहे फोक की बात करो, अगर कोई ऐसा होता है, कोई लव टच के गाने भी सुनता है, तो वो भी हमने इसमें रखा है। बिल्कुल, जो लास्ट सॉन्ग है इसमें वो रखा है हमने जी। बहुत सारे हमारे दर्शक बैठे हैं जो अभी युवा हैं, जो इस चीज़ से गुजरे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी की लाइफ में हर चीज़, हर दौर से आदमी गुजरता है, अभी गुजर रहा है ना, बिल्कुल। तो आपके गाने उसको और उभार देते हैं चीज़ों में, आग लगा देते हैं एक तरह से कहिए तो, बिल्कुल जी। तो ये जो लिरिक्स, ये भी आपके गुरु गुरु उन्होंने ही लिखे, उन्होंने ही ये सारा कुछ जो सिस्टम है वो उन्हीं के वहाँ से है जी। तो अब आप जब अपने घर जाते हैं ना, तो आपके घर वालों का क्या रिस्पांस रहता है जब इतनी ज़्यादा आपको लोकप्रियता मिली है? घर वाले तो देखो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब तो ऐसा है कि शादियों में भी बजना शुरू हो चुका है, बिल्कुल। तो खुशी होती है जब, क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से तारा देवी से बिलोंग करता हूँ, तो जो आमने सामने के गांव है, जब मम्मी पापा पहला दिन में कई बार बाहर बैठे होते हैं, तो जब कहीं शादी है तो जब डीजे पे आदित्य चौहान का गाना लगता है मेरा, तो मतलब उनको एक अलग ही फील होता है जी। आदित्य चौहान जी, हमारे दर्शक भी मानेंगे कि जब मैं देख रही हूँ कि स्क्रीन पे आप आते हैं, है ना, तो कुछ और ही लेवल पे आप चले जाते हैं। वो अंदर से जो आपके हाव भाव, भाव भंगिमाएं और एक अट्रैक्शन आपकी, मतलब वो कुछ इतनी बढ़ जाती है, क्या होता है उस टाइम पे? उस टाइम मैडम ऐसा होता है, देखो जब भी किसी काम को करना है, जो मेरे को मेरे गुरुजी कहते हैं जी, वो एक तो निडर होके करना है जी, बेक ऑफ जी। देखो सराहा उसको पब्लिक ने जी, ठीक है, जो हमारे दर्शक है जी, उनका तो उसको प्यार मिलेगा जी, लेकिन अपनी ओर से हमें बेस्ट करना है जी। तो उस टाइम डर तो मतलब होना नहीं चाहिए जी। हमारे दर्शकों को एक चीज़ मैं भी जानना चाहती हूँ कि जब आप छोटे थे तो कभी स्कूल लेवल पे भी परफॉर्म किया होगा आपने, है ना, स्कूल में जैसे होता है। जो ये मेरी स्टोरी है वो मैं आपको बताऊँ, ये स्कूल से ही शुरू हुई है जी। स्कूल में मैं गाता था, तो छोटे थे, SD स्कूल में थे जी, तो हमारे एक मैडम होते थे हिंदी के जी, इंदिरा आलोक मैम, शोगी से थे वो, तो वो तो ऐसे भी कई बार हम एक सेम बस में भी आते जाते थे, तो उनको पता था कि लड़का ये लोकल है यहीं से जी। तो उनकी एक अच्छी आदत ये थी कि जब वो जैसे नोटबुक चेक करते थे, तो जैसे सारे क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 50 है, तो वो सबसे कुछ ना कुछ परफॉर्म करवाते थे। वो एक स्पेशल डे रखते थे कि मतलब जब नोटबुक चेक होगी तो वो उससे कुछ ना कुछ परफॉर्म करवाएंगे, क्या बात, चाहे वो चुटकुला सुनाए, चाहे वो मुहावरा है, चाहे वो डांस करे, कुछ भी करे जी। तो लड़कियों के बाद तो मेरा ही नाम आता था जी। तो जब मैं गया पहली बार उनके सामने, तो उन्होंने तो मतलब डायरेक्ट ही कहा कि तू तो गाना ही सुनाएगा। अच्छा, तो मैंने वहाँ गुनगुनाया गाना क्लास में जी। तो उससे मतलब एक ऐसा माहौल चला गया क्लास में, जो बच्चे थे सबको पता लग गया कि एक तो ये बंदा लोकल है जी। क्योंकि इसने पहाड़ी गाना गाया, हिंदी भी गा सकता था, कुछ भी कर सकता था, तो सबको लग गया पता कि ये तो गाता है और पहाड़ी गाने गाता है जी। फिर ये ऐसे ही चलता रहा। फिर हमारे स्कूल में ऐसा होता था, हमारे क्या सभी में बीएड्स की जो ट्रेनिंग होती है जी,
वो टीचर्स आती थी जी। तो आपने भी नोट किया होगा, जैसे देखो हम कहीं भी अगर जॉब करने जाए तो एक होता है कि पहले हम वहाँ एक अपना माहौल बनाते हैं जी, चाहे वो अपने काम से हो चाहे वो अपने बिहेव से हो, एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, फैमिलियर होने की, फैमिलियर होने की, ताकि एक अच्छा मतलब एक सब ऐसे रहे। तो बीएड की जो टीचर आती थी तो वो पहले तो इंट्रोडक्शन में ही 2-3 दिन गुजार देती थी कि गाने वगैरह कौन ऐसा वैसा हो सो जी। तो फिर मैंने गुनगुनाना तो उनको बड़ा अच्छा लगता था जी। आदित्य जी, ये हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, आपकी एक बड़ी ही फेमस नाटी है गिड़कू, तो क्यों नहीं हम अपने दर्शकों को दिखाएं वो सॉन्ग। बिल्कुल जी। क्या बात है आदित्य, क्या गाने हैं आपके और आपके गुरुजी, वाकई आपके गुरुजी हैं। और गाना अभी ये गाएंगे लोग कि आदित्य एक्सक्यूज मी हो जाए सेल्फी, बोला है किसी ने? बहुतों ने कहा था, है ना? हाँ जी। और आपने किशोरों की, किशोरियों की इतनी अच्छी मदद कर दी है कि आपके गाने के थ्रू अपने मैसेज कन्वे कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो एक शालीनता भी आपके गानों में रहती है ना, तो उसका आप कैसे ध्यान रखते हैं खासतौर पर? देखो मैडम, मैंने आपको जैसे कहा कि हर फ्लेवर हमारे को दिखाना पड़ता है जी। जो मेरे गाने हैं वो कोई सा भी एल्बम है, चाहे नाटी फ्लो था, गिड़कू था, डांस फ्लो था, नाटी का दौर, मतलब एक गाना आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा उसमें कि जो बहुत ही ज़्यादा नया है। आदित्य, मैं ज़रूर चाहूँगी, हमारे दर्शक भी ज़रूर चाहेंगे कि यही गाना आप अभी लाइव इन हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं। ये वाला जी। हो मैडम एक्सक्यूज मी हो जाए सेल्फी, एक्सक्यूज मी
हो जाए सेल्फी, हो तू चाली केर के, जस्ट टेल मी मैडम एक्सक्यूज मी, हो जाए सेल्फी, हो जे दिन दिए जज तो करू मुलाकात, तो हो दिलो री तो दिलो साथ लानी आज बात, हो साथी चाय कॉफी हो जाए जे थोड़ी है फ्री, हो मैडम एक्सक्यूज मी, हो जाए सेल्फी, एक्सक्यूज मी, हो जाए सेल्फी। क्या सम्मिश्रण है अंग्रेजी का भी, और कुछ लोग होते हैं जो मतलब बहुत ही अभी भी बहुत बैकवर्ड इलाकों से आते हैं रूरल, और जो सच में शर्माते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, उनके लिए एक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना भी इजी हो जाएगा आपके इन गानों से, है ना, अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे थे आपके स्कूल डेज की, है ना, कि जब आपको खड़ा कर दिया जाता था कि आदित्य गाओ, तो वो दौर भी होगा कभी कि आप कांपते होंगे, गाते तो होंगे पर डर भी लगता होगा। देखो मैडम, उस टाइम तो ज़्यादा नॉलेज तो हमें आज भी नहीं है जी, ठीक है, लेकिन उस टाइम तो एक ऐसा होता था कि एक खुशी होती थी कि मेरा नाम आ गया, मेरा नाम आ गया, मैं तो गाऊंगा जी। क्योंकि एक जो अपने स्कूल के फ्रेंड होते थे ना, वो कहीं की भी आप बात ले लो, उनसे कभी शर्म नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो टीचर जब पढ़ाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि क्लास में एक ही बच्चे का, एक बच्चे को मार पड़ेगी, तो मतलब ऐसा कोई फील नहीं होता था कि मुझे इतने बच्चों के बीच थप्पड़ मारा गया, आज मैं नोटबुक नहीं लाया, मुझे बाहर निकाला गया, तो एक ऐसा कुछ नहीं था जी। तो जब आता था नाम तो मैं खुश होता था, मुझे अच्छा लगता था जब मतलब जो साथ बैठे होते थे लड़कियां, ज्यादातर जो होती थी वो बोलती थी कि इससे गाना सुनो, ये गाना गाता है जी, तो मैं गुनगुनाता था। तो एक बार मैंने स्कूल में स्टेज के ऊपर से गुनगुना दिया था गाना जी, जो मुझे याद किया कि यहाँ आओ कुछ गाओ, तो सोचा मैंने कि यहाँ तो कुछ ऐसा गाना पड़ेगा जो सबको समझ आए जी, तो गुनगुनाया था मैंने वहाँ एक गाना जी। आदित्य, अब हम अंतिम लम्हों में पहुंचे हैं आज के इस कार्यक्रम के, तो आज जो आपको इतने सारे युवा लोग देख रहे हैं, तो युवाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखो युवाओं के लिए मैं सबसे पहली बात यही कहूंगा कि जो आपका एक शौक है उसे आप कभी ख़त्म मत कीजिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, चाहे वो कोई भी है, चाहे खेल के प्रति है, चाहे कुछ भी है जी, उसे कभी ख़त्म मत किए जी, और हर काम को आप एक लगन से करें, एक सच्चे मन से करें, वो हमेशा सक्सेस होगा जी। क्योंकि ये मुझ पे एक बीती हुई बात है, क्योंकि मैंने कभी सच्ची में सोचा नहीं था लाइफ में कि ऐसा कुछ होगा जी। दुआ है अपने गुरु की, अपने माँ बाप का आशीर्वाद है, देवी देवताओं का है कि आज लोग जानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। और जी। अब तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, जैसे ये नाटी का दौर जी। ललित सोटा जी, जी जो इंडस्ट्री में मतलब मैं कहूँगा जाने-माने नाम है, देवता रूप इंसान है, जिनसे मतलब मेरी एक जो एक इंडस्ट्री होती है ना मैडम, तरह तरह के लोग होते हैं, लेकिन एक अलग ही उनको जो मेरा श्रेय है वो ये है कि वो एक देवता रूप इंसान है जी। तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ काम करना जी। तो आगे भी हम काम करेंगे जी। जी तो आदित्य जी ने बहुत ही अच्छी बात कही युवाओं से कि आप अपने शौक को जिंदा रखिए और उसे उभारिए, उसे पूरा कीजिए, और सिर्फ युवाओं की ही नहीं, हम सभी की बात करते हैं, और तब नहीं हो पाए आपके शौक, आप किसी भी उम्र में उन्हें पूरा कर सकते हैं, आप उनके उन्हें मरने मत दीजिए, है ना। आदित्य जी आज आप इस मंच पर आए, और दर्शकों ये पहली बार किसी मंच पर आए हैं, और बखूबी इन्होंने आज यहाँ पे भी अपना किरदार निभाया है और रौनक लगा दी है, और हमारी पूरी डीडी की टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, आपके छा जाए एल्बम्स छाए हुए हैं, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही, आपको छोड़े जा रहे हैं इन्हीं के एक संगीत के साथ, गीत के साथ, और बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ। नमस्कार।